बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाय 10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते मेरे पास तो काफी किसान हूँ मैडम, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ बैंकिंग चार्ज? अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है, 10 हजार ले लिया, 17 हजार ले लिया, फिर कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? वो सर 30 हजार रुपए। अरे यदि इस बात बार नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। क्या नाम है आपका? दीपिका मंडल। दीपिका मंडल, कहाँ? बंगाल के रहने वाले हो? क्या बोल के भर्ती किया आपको? सर हम लोग तो पहले सीवी जमा करते थे ना। सीवी जमा करते थे? हाँ, तो वहाँ से फोन आया था कि यहाँ पे वैकेंसी आके वैकेंसी है। कितना दे रहे थे महीने का आपको? पहले 8 हजार था। 8 हजार था? 8 हजार रुपए में आप ठगी का काम करते हो, लोगों को फोन करके बेवकूफ बनाते हो। 8 हजार तो किसी काम में मिल जाएगा? खराब नहीं लगता आप लोगों को ऐसे इन ठग लोगों के चक्कर में अपना 8 हजार में लोगों को बेवकूफ बनाते हो? बेचारे किसानों को, मिडिल क्लास की जमीन है उनके जमीन पे टावर लगाने के नाम पे कभी लगा नहीं, गलत है काम। हाँ, कोई ऐसा काम करना है ना मैडम, सम्मान का काम। पता पता था कि नहीं पता था आपको ठगी हो रही है? सर पता चला था, कुछ दिन बाद पता चला। और जब फोन लगा रहे हो उसको नहीं दे रहे हो तो पता ही है कि नहीं होगा? डेली 40 आदमी को फोन लगा रहे हो, उसका मतलब ये टावर लगाने के तो भाई एयरटेल से जियो से कुछ जान पहचान होनी चाहिए, उनका कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए। इसको लगता है ठग का कोई एग्रीमेंट होगा? कोई चेहरा देख के लग रहा है आपको? तो कैसे कॉल करती थी? ये मान लो पहले आप कॉल करते होगे ना, कॉल पकड़ो इनको, कैसे बात करते थे? आप किसको? अरे यार कुछ फोन आप मैं उठा रहा हूं, चलिए मोबाइल ऐसे करो ना, कॉल लगाओ। कैसे बात करते थे? कॉल लग गया साहब, कैसे बात करते थे? मान लो कॉल लग गया, कैसे कॉल करते? कैसे कॉल करते थे आप? ठगी तो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। आप बताओ ना कैसे करते थे? पहले कॉल किया आपने, ठीक कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ कि आपके पास कोई 10 बाय 10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हूँ मैडम, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपए, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में। जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10 बाय 10 फीट का। 10 बाय 10 फीट का? और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं, अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी जमीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर लिया जाए। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, मेरे पिताजी हैं उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आप किसी नंबर में हायर लिख के भेज देते हैं, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भेज। ठीक है मैडम, थैंक यू। उसका पैसा कैसे लेते हैं? हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप पे आ गया डॉक्यूमेंट सर इनका? दो दो हाई आया। ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट से, सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा। सीनियर डिपार्टमेंट को हम नहीं थे, तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ठगी करते थे। तो आप ही बात करो, सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता था आपको पता है ना? अब बताइए, बताओ कैसे बात करते सीनियर डिपार्टमेंट से? जैसे आपको कॉल करो, ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ मैडम। ये का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास जमीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका जमीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन का? 2 दिन का प्रोसेस लगेगा सर। ठीक है, 2 दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा। मैं आपको कॉल करेंगे, धन्यवाद। दो दिन बाद। हेलो जी सर, आपका जमीन सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,260 रुपये। कमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा
सर उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। 10,260 रुपए आपको अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 10,260 रुपए डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है सर? आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैडम। भाई बेटा रखो ना। फिर कॉल करो। डाल दिए पैसा। हेलो, पैसा डल गया। फिर तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाता है। डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात होता है। उसके बाद जिस नंबर फोन करेगा बात होगी ही नहीं। सेकंड नंबर पैसा मांगते नहीं, और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। तो आप नहीं करते, उसके कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। 10,260 लेके रुक जाते थे। उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा? इधर आओ बेटा, इधर आओ। मां ठग, आप बताओ ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल कंडा करके था। गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? वो उसके बाद वो प्रोसेसिंग चार्ज करता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? जैसे वो बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो इसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो जी, जमा कर दिया मेरे 10,260 रुपए, आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे, 10 दिन हो गया कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग? उनसे मैं बात करके आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे NOC चार्ज आपको देना पड़ेगा सर। अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी NOC चार्ज कौन सा है? पहले बताया क्यों नहीं NOC चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से ही बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये NOC चार्ज कितना है? ये NOC चार्ज 17,200 रुपये सर। ये उसी अकाउंट जमा करना है? जी सर, सेम अकाउंट। तो जमा कर दिया फिर? उसके बाद बैंकिंग से दूसरा आती कॉल करो ना। हेलो हेलो सर, बैंकिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तुम्हारा जमा कर दिया है, बुरा तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएंगे सर आपको डॉक्यूमेंट, मिल जाएंगे सर। डॉक्यूमेंट कब मिलेगा यार, 1.5 महीना हो गया। वो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000-17,000 दो बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। वो सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम लोग सही आदमी। तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर 10-15 दिन के अंदर। आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? हम भी खुद करेंगे सर। फिर कैसे पैसे लेते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे लेते? सेकेंड आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? 30,000 रुपए। अरे यदि इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आकर तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया 30,000। जीएसटी चार्ज इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फोन करेगा तो? फोन करेंगे तो बात करते हैं। हेलो हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का चार्ज नहीं हुआ, 15 लाख जो आने थे मुझे। सर बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, पैसा मिलेगा आपको। आपका देखो पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं, अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? किस बात करता है? उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे पे कैसे सकते हो और पैसे कैसे लेते हो? और पैसा नहीं लेते। हाँ इधर आइए मैडम, आपका अकाउंट में पैसा आता था पूरा? कितना पैसा आ गया आपके अकाउंट में? हाँ तुमको पता ही नहीं, अकाउंट तुमने उसको दे दिया, वो निकालता जा रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? कलकत्ता। तो तुमको अकाउंट दिया, कोई पैसा ही लेके दिया होगा ना अकाउंट? नहीं सर। तो फ्री में दे दिया अपना अकाउंट तुम? जेल इतना प्यारा है तुम्हें कि कभी जेल गई हो पहले? नहीं गई हो, फर्स्ट टाइमर हो। तो अकाउंट क्या बोल के लिया वो? सर
सर झाड़ू पोछा वहाँ पर करते थे तब हमको बोला वहाँ पर सैलरी देगा तब इसलिए क्या चीज ओ वहाँ झाड़ू पोछा करती होगी उसके ऑफिस में तो उसका अकाउंट ले लिया होगा उसके अकाउंट में करते थे। अरे यार थोड़ा तो शर्म करो आदमी हो पैजामा हो तुम बताओ ये महिला का भी तुम लोग ये करते हो पीछे हो जाइए मैडम आप आओ मैडम आपका आपका क्या था हाँ कॉलिंग ही था आपने कितने महीने कॉलिंग किया ये 6 महीने मैडम कहाँ ये लोग ठगों के चक्कर में फंसते हो आप लोग कितना दे रहे थे आपको मेरा रिसेंट हुआ है 12,000 रिसेंट हुआ है क्या बोल के आपको भर्ती किए मुझे इंश्योरेंस बोल के बोला था जब आपको मालूम चला ये ठगी का काम हो रहा है तो आपने मना किया है इसको गलत काम है नहीं करना है मुझे मैंने मतलब जब मुझे पता चला तो मैं दूसरा नौकरी ढूंढ रही पर दूसरा नौकरी मिलने का टाइम लगता तो उसके लिए मैं ये नौकरी करते करते दूसरा नौकरी मैं ढूंढ रही थी वो अगर मिल जाता तो ये मैं छोड़ चलिए पीछे हो आप लोगों की गलती नहीं सबसे मार ठग किया इधर आओ इतने लोगों को तुमने फंसा दिया है मार ठग के काम में तुमको कोई शर्म नहीं आती क्या इस तरह काम करते हो लोग बेचारे किसानों का 60,000-90,000 झूठ मूठ का रजिस्ट्रेशन चार्ज एनओसी चार्ज बैंकिंग चार्ज प्रोसेसिंग चार्ज रिफंड चार्ज लाइसेंस चार्ज ले लेके कोई लूटते जा रहे हो तुम लोग कुछ तो डर रखो यार भगवान का ऐसे तुम लोग खुलेआम लूटपाट कर रहे हो बेचारे ग्रामीणों के साथ सभी ग्रामीण है जिनकी जमीन उन्होंने किया है बेचारे इन लोगों को भी तुम लोगों ने जुल्म के दुनिया में ढकेल दिया कौन कंपनी का आदमी आप बताओ एयरटेल वाले एयरटेल वाले क्या नंबर देके जाते थे एयरटेल वाले फ्रीज लेके देते थे फ्रीज पे लगातार ये लोग कॉल लगाते थे जो बेवकूफ बन जाए बन जाए एक दिन में 250 कॉल करते सर एक दिन में 5 लोग कम से कम 5-6 डेली फंसते थे तो 200 दिन में 1,000 लोग को फंसा चुके हैं ये 1,000 लोगों को भाई हाँ डेली 5 आदमी को 200 दिन में 1,000 आदमी को एक आदमी को 10,000 से लेके 1,00,000 तक का चूना लगाते थे ये लोग तो डेली मान लो 10,000 का भी एवरेज रखो डेली का 40,000 का इनका था अलग अलग अकाउंट रखे होंगे ना एक अकाउंट दो अकाउंट का निकाला है परिजनों के बहुत सारे अकाउंट है 5 अकाउंट अभी मिले हैं 5 अकाउंट में कितने लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है 13 लाख का इनके अकाउंट में हुआ है और इनके दीपिका के में भी लगभग 30-32 लाख 30-32 लाख का इस दीपिका के भी जी। ये सारे अपने अरे मैडम आपको तो मैं भोला समझ रहा था क्या ये आपके अकाउंट में 30 लाख रुपए आए मैनेजर थी सर मैनेजर थी जी सर